गिरिडीह के विभिन्न ईदगाहों में गुरुवार को ईद उल फित्र की नमाज अकीदतो एहतराम के साथ अदा की गई। गिरिडीह में बरवाड़ी स्थित ईदगाह भंडारीडीह, मोहनपुर बिशनपुर लाइन मस्जिद, बुढ़िया खाद कोल्डीहा, सिकदारडी तेलुडी समेत विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों में भी ईद की सामूहिक नमाज अदा की गई। वहीं नमाज के बाद एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी गई। मौके पर आपसी भाईचारगी का खुशनुमा मंजर भी देखने को मिला। अलग अलग कौमों के लोग भी मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद पेश की। इस दौरान ईदगाह और मस्जिदों से सजदे के बाद देश और दुनिया में शांति और खुशहाली की दुआएं मांगी गई। ईद का त्योहार सौहार्दपूर्ण वातावरण में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसे लेकर जिला प्रशासन और जिला पुलिस महकमा भी काफी मुस्तैद दिखा। जगह जगह पुलिस जवान तैनात रहे। वहीं पुलिस के वरीय अधिकारी भी पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। रोजेदार लोग एक महीना रोजा रखकर एक पेश किया है कि हम रोजेदार इस नेक काम नेक इरादा से इन्हें गुजारे हैं और आने वाले दिन भी इसी तरह का रोजा रखकर नमाज पढ़ के तरावी पढ़ के हम गुजरेंगे। आज ईद के त्यौहार में गिरिडीह वासियों को मेरे तरफ से हर मानव अधिकार सुरक्षा संघ की ओर से पूरे गिरिडीह वासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आज बरवाड़ी ईदगाह में नमाज हुई और उनके अमन और शांति के लिए दुआ मांगी गई, गिरिडीह के लिए अमन और शांति के लिए दुआ मांगी गई। हम लोगों ने गिरिडीह प्रशासन का बहुत अच्छा इंतजाम रहा, इसके लिए मैं गिरिडीह प्रशासन का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूरी दुनिया में ईद उल फित्र का त्यौहार बहुत ही जोश खरोश से मनाया जा रहा है। हमारे हिंदुस्तान में हर जगह एक दूसरे को मुबारकबाद खुशियाँ दे रही हैं और हमारे गिरिडीह शहर ये अमन का शहर रहा शुरू से। यह हमने देखा कि कहीं किसी से किसी मामले में डिफरेंसेस नहीं है और चूंकि यह शहर ये देश शहीद अशफाकुल खां राम प्रसाद बिस्मिल का है जिन्होंने भाईचारे निभाते जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी, कुर्बानी के साथ उन्होंने भाईचारा कायम किया। हम लोगों ने आज दुआ किया है कि अल्लाह हमारे हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में एक नंबर बनाए जिससे कि हर जगह इनका नाम हो और भाईचारा कायम होते रहे। सबसे पहले हम लोगों ने दुआ किया है, आज देखिए दुआ हम लोग अल्लाह ताला ने सुन लिया है कि भाई कल तक की क्या हालत है मौसम का, आज देखिए हम लोग दुआ कबूल कर, देखिए कितना खुशगवार माहौल में है, सबका परेशानी दूर हो गया, क्लाउडी वेदर है, हवा में ठंडी हवा चल रही है, इसलिए हम लोग को दुआ और सके मामले में दुआ किया है कि अल्लाह हम लोग को भाईचारा कायम रखे।